हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अब चलिए आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.7 पढ़ाऊंगी अब 5.7 में मैम आप क्या पढ़ाएंगी 5.7 में मैं आपको क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ाऊंगी पॉलीगन पढ़ाऊंगी मैं आपको बताऊंगी कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं स्क्रीन देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैम ज्योमेट्री पढ़ा रही है ठीक है तो मैं बेसिक ज्योमेट्री यहाँ पे पढ़ा रही हूँ दैट इज अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स को हम यहाँ पे समझना सीख रहे हैं कि कौन कौन से शेप्स होते हैं उनके मेजरमेंट्स क्या क्या होते हैं ठीक है हम शेप्स को देखे देख के ताकि डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकें कि ये कौन सा शेप है ठीक है तो आप मुझे एक बात बताइए कि आप लोग जो पिज्ज़ा खाते हो पिज्ज़ा तो सभी खाते हैं ठीक है थीके? अब जो पिज्ज़ा आप लोग खाते हो उसका शेप कैसा होता है

खाने पीने की चीजों में ज्योमेट्री है जैसे आपकी चपाती है ठीक है चपाती का शेप कैसा होता है है ना इस तरीके से डेली लाइफ में बहुत सारी सी चीजें हैं प्रैक्टिकली आपकी सराउंडिंग्स में कि वो आपको ज्योमेट्री की हर जगह कहीं ना कहीं आपको याद दिलाएगी ठीक है तो चलिए फटाफट से आज हम क्वाड्री स्टार्ट करते हैं लेट्स बिगिन तो देखिए क्वाड्री अब हमारे क्वाड्री क्या होते हैं यहाँ पे हम्म चलिए हम देखते हैं कि क्वाडरलेटल्स क्या होता है ठीक है तो अ क्वाड्रिलेटरल इफ यू रिमेंबर इज अ पॉलीगन विच हैज फोर साइड्स अब मैंने आपको पॉलीगन में बताया था देखिए ये कैसा सोच रही है ये भी सोच रही ओ माय गॉड क्वाडरिटल्स क्या होते हैं है? मैम ने कब पढ़ा दिए मैंने पढ़ाए थे मैंने बताया था कि पॉलीगन क्या होते हैं अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके चेक करेंगे ना तो आपको भी पता चल जाएगा चैप्टर नंबर फोर में मैंने पॉलीगनस बताए थे तो क्वाडर बताए थे कि क्या होते हैं चलिए यहाँ पे अगर फोर साइड्स हैं मेरे पॉलीगंस के तो उसे हम एक क्वाड्री हैं क्या कहते हैं ठीक है अब यहां पे हमारे पास देखिए अब मैं आपको बताती हूँ प्लेस अ पेयर ऑफ अनइक्वल स्टिक्स हम अगर अनइक्वल स्टिक्स को एक पेयर में प्लेस करते हैं सच दैट दे हैव देयर एंड है अगर मैं अनिकवल जो मेरी स्टिक्स होंगी चाहे वो मैच स्टिक्स हों या कोई भी हो तो अगर मैं उनको प्लेस करती हूँ और उनके एक वन एंड को ज्वाइन करती हूँ नाउ प्लेस अनादर सच पेयर मीटिंग द फ्री एंड्स ऑफ द फर्स्ट पेयर अगर फर्स्ट पेयर में मैं फिर से दूसरा पेयर ला के प्लेस कर दूँगी तो मेरा क्या फिगर बनेगा ये देखो जैसे मेरा एक ये है और एक ये है ये दो स्टिक हो गई मेरी अब एक स्टिक मेरी ऐसी है बड़ी और एक स्टिक मेरी ऐसी है ठीक है तो देखो सब अनइक्वल है सारी स्टिक्स मेरी अनइक्वल है अब बताओ ये कौन सा फिगर बन गया ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल लाइक द वन यू सी हियर ये क्या बन गया आपका क्वाड्रिलेटर ये देखो ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटर अब देखो इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी ठीक है द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी बी सी कौन कौन सी साइड होंगी एक हो जाएगी ए बी एक होगी बी सी एक हो जाएगी आपकी डी सी और एक हो जाएगी डी ए ठीक है ये इसकी फोर साइड्स है अब इसमें फोर एंगल्स भी बनते हैं है ना कैसे एंगल्स बनते हैं फोर एंगल्स बनते हैं तो कौन कौन से बनेंगे तो एक हो जाएगा आपका एंगल बी ए डी बनेगा बी ए डी फिर दूसरा बनेगा ए डी सी फिर तीसरा बनेगा डी सी बी फिर फोर्थ कौन सा बनेगा एंगल सी बी ए ठीक है एक ही वाला और बनेगा तो इस तरीके से इसमें फोर एंगल्स होते हैं बी डी इज वन डायगोनल अब हम चाहें तो बी डी को एक डायगोनल भी बना सकते हैं जो कि इसकी डायगोनल होगी वॉट इज द अदर अदर डायगोनल इज ए सी ठीक है मेजर द लेंथ ऑफ द साइड एंड द डायगोनल मेजर ऑल एंगल ऑल्सो हमको इसके सारे मेजर एंगल को क्या करना है मेजर करना है किसकी हेल्प से कंपोज की हेल्प से इसमें हमको क्या क्या लगेगा एक तो लगेगा प्रोटेक्टर ठीक है एक होगी आपकी रूलर जिसकी हेल्प से आप इनकी साइड्स और एंगल मेजर कर सकते हैं नाउ अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है हमारे पास ठीक है अब यहाँ पे हमें क्या करना है फिर से हमें फोर अनइक्वल स्टिक्स क्वाड्रिलेटरल सच दैट ऑल फोर एंगल आर अक्यूट क्या सारे एंगल अक्यूट थे देखो तो आ, ये 90 डिग्री बन रहा है क्या ऐसा तो ये तो 90 डिग्री बन रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं नो सारे एंगल अक्यूट नहीं थे वन ऑफ द एंगल इज ऑप्टिज तो एक एंगल क्या आपका ऑप्टिज है तो हाँ ये वाला एंगल आपका क्या है वन एंगल इज ऑप्टिज वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल यस एक एंगल राइट एंगल भी है

ये वाला ऑप्टिव नहीं ये तो अक्यूट है नो no. यहाँ पे आपके जो दो एंगल हैं वो ऑप्टिवज नहीं दो आ, एंगल जो है वो अक्यूट है एक्चुअली अब यहाँ पे टू ऑफ द एंगल आर राइट एंगल्स अब लास्ट वाले में क्या बताना अपन को द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनादर क्या इसमें ये जो दोनों डायगोनल्स हैं क्या वो एक दूसरे की परपेंडिकुलर हैं तो है हाँ वो दोनों एक दूसरे की परपेंडिकुलर हैं तो ये भी हो जाएगा हमारा यस ठीक है मूविंग ऑन नेक्स्ट यू हैव टू सेट स्क्वायर इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आपका जो कंपोज होता है उसमें इस तरीके से दो देखो ऐसे होते हैं ट्राइंगल्स टाइप के शेप के एक जो होता है वो थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री नाइन्टी डिग्री होता है है ना यहाँ पे थर्टी डिग्री होता है यहाँ सिक्सटी डिग्री होता है ये थर्टी ये सिक्सटी और ये आपका नाइन्टी डिग्री होता है और जो इसकी अदर साइड्स होती हैं दूसरे वाले ट्रायंगल की जो अपना दूसरा स्क्वायर होता है वो एक होती है 45, 45 और एक होती है नाइनटी डिग्री ठीक है मतलब एक आ, हमारे पास ऐसे दो स्क्वायर सेट होते हैं तो एक होता है जिसकी दो साइड्स की दो एंगल होते हैं फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव और एक होता है नाइन्टी डिग्री का ठीक है तो आपको भी अपने कंपोज में या अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में इसको ओपन करके देखना है कि ऐसे होते हैं कि नहीं ठीक है, है, अगर 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 आप आप इन दोनों को जो 30, 60, 90 degree का square set है, इसको अगर आप ऐसे आमने सामने इस तरीके से अगर लगा देते हो, तो ये आपका एक rectangular shape ले लेगा। ये भी आपका एक क्वाड्रिलेटरल तो होगा ठीक है ये भी आपका एक क्वाड्रिलेटरल होगा लेकिन ये क्या करेगा आपका एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेगा जिसको कि हम बोलेंगे द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देखो ये एक रेक्टेंगल का शेप ले लिया तो इसे हम कहेंगे कि ये एक रेक्टेंगल है ठीक रेक्टेंगल यू कैन सी इज दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ देखो रेक्टेंगल जो होता है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो हमेशा इक्वल लेंथ की होती है देखो ये इसकी इक्वल है और इसके ये इक्वल है तो ये रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं अगर ये दोनों तो ये इक्वल ये है तो ये इक्वल ठीक है अब व्हाट अदर प्रॉपर्टी कैन यू फाइंड आप और भी कोई प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हो अगर हाँ तो बताओ देखो इसके जो एंगल्स होते हैं ये कैसे होते हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं नाइनटी डिग्री मतलब राइट एंगल्स होते हैं ठीक है

और एक ये हो गया मेरा तो ये कुछ मेरा ऐसा बन जाएगा तो ये देखो इनकी जो लेंथ होगी ये, ये वाली और ये सब बराबर होगी तो ये क्या बन गया एक स्क्वायर बन गया ठीक है आर यू एबल टू सी ऑल द साइड्स आर ऑफ लेंथ आर इक्वल आप देख रहे हो कि इनकी सारी की सारी जो साइड है वो क्या है इक्वल है आपको ये प्रॉपर्टी स्क्वायर की पता होनी चाहिए कि स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती है फोर साइड्स वो क्या होती है इक्वल होती है ठीक है और सारे एंगल्स भी जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं ठीक है अब मूविंग ऑन नेक्स्ट इफ यू प्लेस द 30, सिक्सटी एंड 90 डिग्री सेट स्क्वायर स्क्वायर अगर आप एक सेट को ऐसे रखते हो ये देखो ऐसे ठीक है तो इन डिफरेंट पोजिशन मतलब इस तरीके से अगर उनको प्लेस करते हो तो ये क्या बन गया एक पैरलेलोग्राम ये देखो अब पैरलेलोग्राम वो होता है जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं अपोजिट साइड्स जैसे कि ये वाली जो साइड होगी ये पैरेलल होगी इसके और ये साइड होगी वो ये पैरेलल होगी इसके ठीक है तो ये इसके पैरेलल होगी ये दोनों और ये इसके पैरेलल होगी तो पैरेललोग्राम क्या होता है जिसकी अपोजिट साइड्स हमेशा क्या होती हैं पैरेलल होती हैं उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम अब इनकी जो डायगोनल्स होती हैं क्या वो इक्वल होती हैं नो आर द अपोजिट साइड्स इक्वल इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं वैसे होती है ठीक है इफ यू यूज फोर थर्टी सिक्सटी इफ यू यूज फोर थर्टी सिक्सटी नाइन्टी डिग्री सेट स्क्वायर मतलब यही वाले सेट स्क्वायर को अगर आप इस कॉम्बिनेशन में रखते हो देखो ऐसे अगर आप जमाते हो तो आपको क्या मिल जाएगा एक रोम्बस मिल जाएगा क्या मिल जाएगा एक रोम्बस ऐसे फिगर को हम कहते हैं रोम्बस क्या कहते हैं रोमबस इनकी जो डायगोनल होती है वो इक्वल होती है ठीक है और क्या होता है इसमें देखो और बताओ नेक्स्ट है अपने पास ई इफ यू यूज सेवरल सेट यू कैन शेप लाइक दिस अब आपने देखो आपने तीनों के तीनों को मतलब एक स्क्वायर में एक और ये वाला सेट ऐसे लगा दिया तो ये क्या बन गया ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया बट ये कैसा क्वाड्रिलेटरल बन गया इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम क्या बोलते हैं इसको हम ट्रेपेजियम कैसा होता है ये ऐसा ऐसा और ऐसा ठीक है तो देखो सब में साइड्स तो फोर ही बट साइड्स बड़ी छोटी होने के कारण उनके शेप्स अलग अलग होते जाते हैं एक होता है आपका ट्रेपेजियम एक होता है आपका पैरलोग्राम एक होता है आपका रोमबस एक होता है स्क्वायर और एक होता है आपका रेक्टेंगल है ना सिंपल देखो यहाँ पे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को एक बार रिकॉल किया है देखो ये सारे के सारे क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं बट अपोजिट साइड किसमें किस में होती है सिर्फ पैरेललोग्राम में होती है जो कि पैरेलल होती है यस और इक्वल होती है यस ठीक है देखो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं ठीक है ठीके?

मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाती हूँ ठीक है देखो ये एक स्क्वायर है अब इसकी जो डायगोनल है वो आपस में परपेंडिकुलर होगी ठीक है तो डायगोनल क्या होती है स्क्वायर के शेप में, में? परपेंडिकुलर होती है अब फिर उसके बाद नेक्स्ट है रोम्बस रोम्बस में सिर्फ अपोजिट एंगल इक्वल होते जो मैंने बताए थे ये देखो ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल होंगे और ये एंगल भी इक्वल होंगे मतलब ये वाले जो एंगल्स है इससे

यस yes, होता है ठीक है फिर नेक्स्ट है द अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ जो रेक्टेंगल होता है उनकी जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है ये मैंने बताया था तो ये भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा फिर सी क्या है द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू अनादर मतलब जो डायगोनल्स होती हैं स्क्वायर की वो परपेंडिकुलर होती है वो अभी मैंने आपको बताया था

अपोजिट साइड्स तो वो इक्वल कैसे हो सकती हैं 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 सारी sides नहीं हो सकती सिर्फ की क्या होती parallel होती है. अब इसमें हमको reason देना है स्पेशल रेक्टेंगल क्या हम square को रेक्टेंगल की तरह सोच सकते हैं तो हाँ जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर के अंदर जो जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो रेक्टेंगल के जैसी होती हैं तो स्क्वायर हैव ऑल प्रॉपर्टीज लाइक रेक्टेंगल सो इट इज ए स्पेशल रेक्टेंगल ठीक है ये एक स्पेशल रेक्टेंगल होगा फिर बी में क्या है अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरलोग्राम क्या रेक्टेंगल को हम एक स्पेशल पैरलोग्राम की तरह बोल सकते हैं तो जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसकी मतलब ऑल प्रॉपर्टीज जो होती है वो प्रॉपर्टीज जो होती है वो के जैसी होती है लाइक पेरेलोग्राम ठीक है जो स्क्वायर की जो रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हो जैसी होती है सो इट इज कॉल्ड अ स्पेशल क्या बोलेंगे हम इसको एक स्पेशल पैरलोग्राम ठीक है अब सी में क्या है अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस तो हाँ स्क्वायर को हम एक स्पेशल रोम्बस बोल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर की जो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक रोम्बस के, के जैसी होती हैं तो हम इसको एक स्पेशल रोम्बस बोल सकते हैं ठीक है किसको स्क्वायर को अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है स्क्वायर रेक्टेंगल पैरलोग्राम आर क्वाड्रिलेटरल तो यस yes. क्योंकि ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल हैं तो हाँ दीज आर क्वारिलेटल फिर स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरलोग्राम क्या स्क्वायर एक पैरलोग्राम हो सकता है अब देखो पैरलोग्राम uh, में क्या होता है पैरलोग्राम uh, जो हमारा होता है वो कुछ ऐसा होता है ठीक है मतलब इसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है और स्क्वायर में भी हमारी जो ऑपोजिट साइड तो इक्वल होती ही हैं ठीक है तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक स्क्वायर की जैसा बिहेव कर रहा है तो इसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक पैरलोग्राम हो सकता है स्पेशल टाइप का क्यों तो क्योंकि इसकी भी ऑपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती हैं ठीक है ठीके? तो इसीलिए हम पैरलोग्राम की तरह इसको भी बोल सकते हैं कि हाँ इट इज अल्सो स्पेशल पैरलोग्राम सॉरी स्क्वायर ठीक है नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है अ फिगर इज सेट टू बी रेगुलर इट इफ इट्स साइड्स आर इक्वल लेंथ एंड एंगल्स आर इन इक्वल मेजर कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल तो एक फिगर है कौन सा स्क्वायर क्यों देखो स्क्वायर की सारी की सारी जो साइड्स होती हैं वो पहली बात इक्वल होती हैं ठीक है तो हमको इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल चाहिए फिर उसके सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं सारे एंगल्स क्या होते हैं नाइन्टी डिग्री के होते हैं ठीक है तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर ही एक रेगुलर क्या है क्वाड्रीलेट्रल है क्या है स्क्वायर एक रेगुलर क्वाड्रीलेट्रल है ठीक है या मैं इसको कह सकती हूँ कि जो स्क्वायर square है स्क्वेर all sides are equal in length and all angles are equal in measure that is 90 degree सो स्क्वे इज रेगुलर क्वाड्री लेटर ठीक है सो दट सेट इतने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में मैंने इसको आज यहाँ पे एंड कर दिया है सो आई एम गोइंग टू लिविंग द क्लास ऑल द बेस्ट आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए बहुत अच्छे से रहिए और पूरे वीडियोस देखते जाइए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिले हाँ अगर आपको कहीं पे कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम मुझे यहाँ डाउट है ठीक है सो थैंक यू टाटा बाय बाय